हेलो, मैं अंजलि बोल रही हूँ। यार दारू है, चखना भी है, बहुत करेक्ट टाइम पे फोन किया है तुमने। यही चाहिए ना तुम्हें, इसीलिए फोन की हो। तुम आओगी या मैं आऊँ? करण, सॉरी, आई एम किशोर, रॉन्ग नंबर। हेलो अंजलि। अंजलि कौन है? मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। नहीं माँ, वो अभी मैं फिल्म देख रहा हूँ। अच्छा, फिल्म देख रहे हो? पढ़ाई ठीक चल रही है ना तुम्हारी? नहीं तो अच्छी चल रही है। प्लीज माँ, मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ, यहाँ डिस्टर्बेंस है माँ। अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो करण। हाँ अंजलि, बोलो अंजलि। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, मिले क्या? कहाँ? बीच रेस्टोरेंट में। ठीक है, रवि की बात सोचकर टेंशन हो रहा है। तुम टेंशन मत लो, इस वक्त वो वहाँ नहीं होगा। ओके अंजलि। ऑर्डर प्लीज सर। ओके थम्स अप। माजा। अच्छा, माजा पी के मजे लेने आए हैं। हाँ थैंक यू। कुछ बात करो ना, मैं बोर हो रही हूँ। जब तुम सामने नहीं होती ना, बहुत कुछ कहने का मन करता है, लेकिन अब तुम मेरे सामने हो तो सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। बिल लेकर आओ। रुको, मैं देती हूँ, रुको ना। नो 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 नो। सो शैल वी मूव? ठीक है। करण, इफ यू डोंट माइंड, तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। श्योर, चलो। अंजलि। हाँ? तुम मैथ बुक मुझे दोगी क्या? अरे इतनी रात तक लाइट जला रहा है यार, लाइट बंद कर देना यार, क्या कर रहा है? अबे जानकी, नहीं तेरे को देने का टाइम आ गया, सो जा चुपचाप से, सो जा। देखो इसे,
ये सो नहीं रहा है और ये जाग नहीं रहा है, क्या करें इनका। अरे करण लाइट बंद कर दे यार। अरे देखो बहुत स्पीड में आ रहा है हीरो। उसकी स्पीड मैं कम कराता हूँ। हे इधर आ। तुम्हारी एक्टिंग एकदम कमाल का था, नाटक था, इसलिए तुझे अंजलि के करीब जाने को कहा था। तू तो बहुत ज्यादा ही चिपक गया था रे। अगर दोबारा तूने ऐसा नाटक किया ना तो तुझे ना कच्चा चबा जाऊंगा। हाय हाय, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, एयर पोल्यूशन करना चाहते हैं, तो जा। कॉपी तो इधर दे यार। कोई बात नहीं भाई। अबे दे जा। राइटिंग बहुत अच्छी है, राइटर के लिए ट्राई कर। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर बाय सेंडिंग पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड विद द अपग्रेडेड। आइए सर, क्लासरूम के अंदर गोली चलाने वाला लड़का यही है। माफ कीजिए सर, ये मेरा बेटा है। रूल तोड़कर इसने क्राइम किया है, इसने जानबूझकर नहीं किया है। ही इज मेंटली रिटायर्ड, बचपन से इसकी दवाई चल रही है। थोड़ा ठीक हुआ समझकर इसे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। मॉर्निंग से मेरा पिस्टल ही नहीं मिल रहा था, मुझे इस पर डाउट आया था, तब तक ये घटना हो गई। और उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? उनके पेरेंट्स से हम बात कर लेंगे, उसके ट्रीटमेंट का जितना खर्चा होगा हम देख लेंगे। तो आप इसके साथ क्या करेंगे? अब हम इसे घर पर ही रखेंगे। ले लीजिए पिस्तौल। थैंक यू। आओ इधर आओ। इस घटना से हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, इसलिए हम कॉलेज 2 दिन बंद रखेंगे। हमने पहले जैसा प्लान किया था वैसे ही करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद करेंगे। ओके सर।